बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया। आम हिंदू आक्रोशित है, बांग्लादेश में हिंदू भाई बहनों के साथ जघन्यतम अत्याचार किए जा रहे हैं। हिंदू सामुदायिक के धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचा एवं हिंदुओं की जघन्य एवं अमानवीय तरीके से असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों द्वारा हत्या की गई, जिसको लेकर आज अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावना संघ इस्कॉन के सदस्यों द्वारा आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर देश के महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापन के माध्यम से बांग्लादेश के हिंदुओं को तत्काल भारत में शरण देने की मांग रखी। सीटीएन भारत से रोशन सिंह नागपुर की रिपोर्ट, छिंदवाड़ा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावना जो संघ इस्कॉन से ये ज्ञापन लेके आया, ये प्रतिवाद कर्मसूची हमने लिया है, इसलिए कि आप लोग जानते हैं कि दुर्गा पूजा के समय बांग्लादेश में हमारा हिंदू भाई के ऊपर कितना अत्याचार हुआ है, कितना लोगों को हत्या किया है, कितना मंदिर को तोड़ फोड़ किया, आग जलाया, इस्कॉन मंदिर को भी नहीं छोड़ा। इसलिए बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई लोग बहुत डरे हुए हैं, उनका जीवन सुरक्षित नहीं है, वो अपना धर्म का पालन नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम प्रतिवाद कर रहे हैं। और हमारा जो सरकार, ये सरकार के पास हम ये निवेदन रखते हैं कि हमारा बांग्लादेश के जो हिंदू भाई हैं उनका रक्षा करें, उनके धर्म का पालन करने का सही अधिकार प्रदान करें। जी, आपका नाम? मैं रत्नभूषण दास।